आज 15 अगस्त है। आई नो सभी लोग एक्साइटेड हैं कि 15 अगस्त के दिन सभी लोग एक दूसरे को गले लग करके हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं और फिर बिना किसी भेदभाव के हम लोग जाकर के झंडा फहराते हैं, फिर जलेबी खरीदते हैं, ये वो बहुत कुछ करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। हर घर में एक अंदर से एक एक्साइटमेंट रहता है कि ये जो तिरंगा है ना, ये अपने भारत का है, एक अपने हिंदुस्तान का है। सिर्फ एक दिन हम एक दूसरे को गले लगा करके बोलते हैं कि वी आर प्राउड इंडियंस, और उसके बाद क्या होता है आप सुनो, उसके बाद क्या होता है, हम एक दूसरे को इंडियन नहीं बोल करके हम एक दूसरे को ये बोलते हैं कि वी आर हिंदू, वी आर मुस्लिम, वी आर सिख एंड वी आर ईसाई। और ये चीज करते करते हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं और न जाने क्या क्या, बस एक दिन हम बोलते हैं कि वी आर प्राउड इंडियन और उसके बाद सब एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्यों हम क्यों नहीं हर दिन एक दूसरे में भाईचारा लाते हैं, हम क्यों हर दिन हम एक दूसरे में वही जो उल्लास जो आज है एक प्राउड इंडियन का, वो हर दिन क्यों नहीं रहता, हर दिन क्यों ये मजहब वाली जो टॉक्सिक एनवायरमेंट जो हम क्रिएट करके रखे हैं वो क्यों नहीं हम हटा देते हैं और एक प्यारे से इंडियन बन के एक दूसरे को गले लगा के बोलते हैं एंड देयर फॉर यू, क्यों नहीं हम ऐसा बोलते हैं। जब कभी हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने की बात आती है ना, तो वहां पे हम ये नहीं देखते हैं कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, या फिर हम उसके कास्ट और रिलीजन कभी नहीं देखते हैं, हम बस ये देखते हैं कि बस वो ब्लड मुझे चाहिए, आई रियली वॉन्ट इट। और जब कुछ और बात होती है, कुछ भी एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताऊं, हाँ, कि जब मैं ये कितने इंसिडेंट दूसरों के साथ भी हुआ होगा, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है, वो ये कि मैं जब एक बार कॉलेज के ड्यूरेशन में मैं क्या कर रही थी कि जब रूम को देख रहा था, रूम रेंट पे लेना था मुझे, जब रूम रेंट पे लेना था तो एवरीथिंग वॉज फाइन, सब चीज ठीक था, बट वेन इट कम्स टू माई नेम तो वो जो लैंड ओनर है वो बोला कि नहीं मैं आपको नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि वॉट आई एम वो उन्हें मंजूर नहीं, जो हमारा जो मजहब है वो उन्हें मंजूर नहीं। यहाँ पे ना ये अभी भी वो एक टॉक्सिक वाली एनवायरमेंट है, वो अभी भी ये चीज है कि इनफैक्ट मैं ये चीज बोलूं कि लोग आपस में हमेशा लड़ते हैं, झगड़ते हैं और ये चीज बोलते हैं कि अरे वो फलाना ये, ढिकाना ये, मतलब एवरीथिंग मेस अप विद इट। एंड जब 15 अगस्त की बात आती है तो हम सब लोग एक साथ होकर के मिलकर के बोलते हैं कि वी आर प्राउड इंडियन, जय माता दी। सिर्फ एक दिन जय माता दी बोल के कुछ नहीं होगा जनाब, सिर्फ एक दिन हम प्राउड इंडियंस बोल के कुछ नहीं होगा। एक्चुअली में अगर हम एक भारतवासी है ना, तो हमें इसको समझना होगा कि ये जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है ना, ये डाइवर्सिफाई है। यहाँ पे ना एक इतने ढेर सारे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चर्स, इतने ढेर सारे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑल द रिलीजन, और सब एक दूसरे के साथ हमेशा हम लोग घुल मिल के रहते हैं, यही एक इंडिया है। व्हाई वी से कि मतलब हम लोग एक प्राउड इंडियन है, ये जो हमारा जो इंडिया है ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कल्चर है, क्यों हम ऐसा बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर मजहब के लोग रहते हैं और हम सब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके रहते हैं। बट क्यों ऐसा हो जाता है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मजहब के नजर से देखने लगते हैं, और अक्सर नहीं हमेशा, मैं ये चीज बोलूंगी कि एक ओब्वियसली अगर आपको मालूम होगा बिहार के बहुत ही फेमस एक टीचर हैं खान सर, तो उनका एक बार ओब्वियसली सारे इंडियंस को मालूम है खान सर के बारे में, कौन नहीं जानता है उन्हें, तो वो चीज क्या है कि उनका एक बार उनके बारे में ये चीज प्रश्न उठाया गया था कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप तो पूरे इंडिया में फेमस है खान सर के नाम से, बट आपका क्या मजहब है, क्या आपका कल्चर है, क्या आपका रिलीजन क्या है, क्यों पूछा जा रहा है ये चीज, वो एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हैं, तो उन्हें कल्चर से, उन्हें उनके रिलीजन से क्यों जज किया जा रहा है। यहाँ पे हम इंडियंस क्यों ये नहीं समझ पाते हैं कि आप उनके टैलेंट को देखो ना, आप ये चीज देखो ना, कितने गरीब लोग ऐसे हैं जो उनके वीडियोस को देख करके, कितने ही लोग कितने अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसे, जो
कहाँ कहाँ से नहीं आते हैं और वो उनके लेक्चर्स को देख करके वो एक बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो क्यों हम यहाँ पे जितने ढेर सारे भरे पड़े हैं स्किल, अभी फिलहाल में एक और गाना आया था कोई शंभू, ये शिव शंभू करके कोई एक गाना आया था, और उसमें एक जो लेडी थी वो एक बाय रिलेशन, वो एक मुस्लिम थी बट वो एक नन मुस्लिम हिंदू सॉन्ग वो गाई थी, शिव शंभू वो गाना गाई थी, और उन पे वो उंगली उठाया गया था कि आप जिस मजहब को हो उस मजहब के अगेंस्ट में आपको प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल है आपका, वो आप नहीं कर सकते, आप वो गाना नहीं गा सकते एंड ऑल दिस शिट। क्यों किया जाता है? व्हाई डोंट वी अप्रिशिएट हर स्किल? व्हाई डोंट वी अप्रिशिएट द स्किल? व्हाई डोंट वी अप्रिशिएट द टैलेंट? क्यों हम ये चीज कर रहे हैं और एक दिन सिर्फ हम बोलते हैं कि वी आर प्राउड इंडियन, और एक दिन हम बोलते हैं कि ऑल इंडियंस आर आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? क्यों? सोच के देखो, ये जो हमारी जो सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी में वी कॉल इट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस वर्ड का मतलब होती है आजादी। क्या हम एक्चुअली में यहां से आजाद हैं? क्या हमारी जो सोसाइटी है वो एक्चुअली में आजाद है? क्या हमारी सोच आजाद है? जिस दिन ये सोच आजाद हो जाएगी ना, हम एक्चुअली में आजाद हो जाएंगे और ये देश आजाद हो जाएगा। आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारा जो देश है वो अंग्रेजों से आजाद हुआ तो वो एक आजाद हिंदुस्तान है। आजादी तब होगी जब हम यहां से आजाद होंगे। आजादी तब होगी जब हम जो मजहब है, जो प्रोटोकॉल्स है, जो रिलीजन, जो टॉक्सिक एनवायरमेंट है, उससे जब हम आजाद होंगे तब हम एक्चुअल में आजाद होंगे। फिर हम दिल से बोलेंगे कि हम एक आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं। सोच के देखना।